नमस्कार, इंडिसन न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी की शुरुआत इंडिसन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। पहलवानों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में की यौन उत्पीड़न की शिकायत। महिला खिलाड़ियों के सुरक्षा मामले में बीजेपी सरकार अपने नेताओं को लगी बचाने में, केजरीवाल का कहना। जम्मू कश्मीर, रायबन और बनिहाल के बीच पत्थर गिरने, बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे किया गया बंद। जम्मू कश्मीर, राहुल गांधी ने बारिश के बीच कठुआ से शुरू की भारत जोड़ो यात्रा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले में शामिल वाहन हुआ दुर्घटनाग्रस्त, एक कांस्टेबल की मौत। आज भी जारी रहेगा खिलाड़ियों का धरना, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पहलवानों के साथ बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटेंगे 71,000 नियुक्ति पत्र। अश्लीलता कांड मामले में एयर इंडिया पर एक्शन, डीजीसीए ने 30,000 का लगाया जुर्माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया मुंबई करो को बड़ा तोहफा, मुंबई मेट्रो के 2 और 7 के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। और बीपीएल को हर महीने बीजेपी देगी 2000 चुनाव से पहले बड़ा पैसा।